अंग्रेजी में एक कहावत है, सीड्स ऑफ द वॉर आर ऑफ्टन प्लांटेड इन द टाइम्स ऑफ पीस, यानी कि वॉर के जो भी सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, वो पीस के समय यानी शांति के समय में ही बोए जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ था वेस्टेरोस में। किंग जहरिस और क्वीन एलिसन के लंबे 50 साल के राज में कोई भी बड़ा बैटल नहीं हुआ। सो 99 एसी से लेके 101 एसी, ऐसे 2 साल बेलॉन द ब्रेव अपने पिता जहरिस का बहुत ही अच्छा हैंड रहा था और सभी को ऐसा लगा था कि आगे चल के बेलॉन बहुत अच्छा किंग बनेगा। बट देन एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसके वजह से पूरा वेस्टेरोस हिल गया। 101 एसी में ऐसे ही एक दिन बेलॉन द ब्रेव अपने पसंदीदा टाइम पास यानी हंटिंग करने के लिए किंग्सवुड में जाता है और वो जब वहां से लौट के आता है तब उसके पेट में थोड़ा सा दर्द होने लगता है। बट ये दर्द अचानक से इतना ज्यादा बढ़ता है कि सिर्फ 5 दिनों के अंदर हट्टे कट्टे बेलॉन की बहुत ही सैड मौत होती है। जी हाँ, सिर्फ 5 दिनों के अंदर बेलॉन कुछ तो इन्फेक्शन के कारण मर जाता है क्योंकि उसे हंटिंग के दौरान कुछ चोट लगती है। My father was a hale and healthy warrior and dragon rider. Jaehaerys named a great royal hunt. 5 days later, My father lay dead. पहले तो ओल्ड किंग और कई सारे वेस्टेरोस वासियों को लगा कि बेलॉन को जहर वगैरह देके किसी ने मार दिया हो सकता है। बट ग्रैंड मिस्टर रनसीटर ने डिक्लेयर किया कि इसमें कोई भी धोखा नहीं था और बेलॉन इन्फेक्शन के वजह से बर्स्ट बेली के रीजन के कारण मर गया था। बट वो अभी मर्डर था या नहीं, ये थोड़ा सा ओपन एंडेड डिस्कशन वाला चीज है। ये चीज हमेशा की तरह जॉर्जी साहब ने हम सभी सॉन्ग ऑफ आइस एंड के फैंस के ऊपर छोड़ दी है। तो अभी बेलॉन मर गया था तो ओल्ड किंग जहरिस को अपना एक नया हैंड चुनना था और इसके लिए उन्होंने चूज किया यंग चालाक सर ऑटो हाईटावर को। जी हाँ, ओल्ड किंग जहरिस ने सर ऑटो हाईटावर को अपना हैंड बनाया। तो एक जमाने में बहुत अच्छा फाइटर होने के वजह से इस ऑटो को नाइटहुड मिला था, इसीलिए उसे सब सर ऑटो हाईटावर कहते थे। हमने 2 चैप्टर्स पहले देखा था कि इस ऑटो टावर को बेलॉन द ब्रेव ने किंग्स लैंडिंग में लाया था ताकि वो बेलॉन को कुछ राज कारोबार वगैरह चलाने में मदद कर सके। सो बेसिकली ऑटो हाईटावर बेलॉन का एक एडवाइजर था। तो अभी ऐसे प्रोफेशनल रिलेशनशिप ठीक थी, बट ये ऑटो हाईटावर मतलब एक थोड़ा सा शातिर और पावर हंग्री इंसान था। उसने देखा कि वो टारगेरियंस के साथ में जितना अच्छी दोस्ती कर पाएगा उतना ही वो अच्छे से पावरफुल बनता जाएगा और उसकी ये चीज बेलॉन ने अच्छे से नोटिस नहीं की और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मरने के पहले बेलॉन ने बहुत ही अच्छी तरीके से राज कारोबार चलाया जरूर, बट उसने ऑटो हाईटावर जैसे एक सांप को किंग्स लैंडिंग में टारगेरियन परिवार में लाया, तो ये एक उसकी बहुत बड़ी गलती हुई थी। देन दोस्तों, हम अगर बेलॉन के मौत के कंस्पिरेसी की बात करते हैं तो वो चीज हमें हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो में भी देखने मिली थी। Balon the Brave, rider of Vhagar, heir to the Iron Throne, dead of a burst belly. You went from being another man in Jaehaerys' court to the second most powerful man in the realm. So अभी Otto Hightower घुस गया है King's Landing में और अभी इस नए Hand of the King Otto के साथ में Old King Jaehaerys के सबसे पहले Small Council meeting में discussion शुरू होते हैं कि Old King के मरने के बाद में अगला राजा कौन बनेगा। तो अभी next Prince of Dragonstone यानी कि heir to the Iron Throne कौन होगा, इसके लिए कई सारे कैंडिडेट्स थे। पहला कैंडिडेट था या कहूँ थी रेनिस टारगेरियन यानी कि जहरिस के बड़े बेटे एमोन की बेटी और उसका बेटा लेनोर भी यहाँ पे कंसीडर किया जाने लगा था। और उसके बाद में सेकंड ऑप्शन था बेलॉन का बेटा विसेरेस। सर ऑटो हाईटावर तो सीधा काउंसिल मीटिंग में कहते हैं कि राजा तो सिर्फ और सिर्फ विसेरेस को बनाया जाए। इस तरीके से स्मॉल काउंसिल मीटिंग में अपनी साइड ऑटो ने ली है, ये चीज विसेरिस को पता चलती है और विसेरिस बहुत खुश होता है। पहले विसेरिस के पिता बेलॉन ऑटो पे विश्वास करने लगे थे और अभी ऐसे ऑटो के सपोर्ट के वजह से विसेरिस ऑटो पे अंधविश्वास रखने लगता है। बट यहाँ पर विसेरिस का छोटा भाई डेमोन बराबर से पहचान गया था कि ये ऑटो हाईटावर फालतू में टारगेरियंस को चिपकने की कोशिश कर रहा है। वो एक लीच के तरह टारगेरियंस के पावर को चूसना चाहता
चाहता है। ये चीज डेमोन ने यही पे अच्छी तरीके से देख ली थी, बट विसेरिस ये चीज बिल्कुल पहचान नहीं पाया। उसे लगा कि ऑटो हाइटावर बहुत ही अच्छे है। सो इस तरीके से ऑटो और विसेरिस में दोस्ती होने लगती है, और उसके मामले में डेमोन इस समय तो बिल्कुल भी कुछ भी ज्यादा बोलता नहीं है। अभी हमने कई सारे चैप्टर्स पहले देखा था कि 92 एसी में जब एमोन टारगेरियन मरा था, तो उसके बाद में बेलोन को एयर बनाया गया, तब बहुत ही ज्यादा बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए थे। खास करके बराथियंस और वेलारियंस एक्सट्रीमली अनहैप्पी थे, क्योंकि उनके रेनिस को एयर टू द थ्रोन नहीं दिया गया था। सो इसीलिए इस बार ओल्ड किंग जहरिस ऐसे ही किसी को भी एयर टू द थ्रोन डायरेक्टली खुद से डिक्लेयर नहीं करने वाले थे। उन्हें कुछ तो डिफरेंट करना था, बट वो खुद ही सोचने लगे करे तो क्या करे। उन्होंने सोचा कि अपने काउंसिल से थोड़ी बहुत मदद लेते हैं, बट ओल्ड किंग जहरिस बूढ़े थे, बट वो स्टूपिड नहीं थे। उनको पता था कि उनके काउंसिल में अब भी कोई ना कोई सेल्फिश इरादों के लिए काम करेगा, और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो कॉन्टेक्ट करेंगे उनके बेटे वेगोन को। जी हाँ, एंटर वेगोन टारगेरियन। 30 साल पहले इस वेगोन को आर्च मेस्टर बनने के लिए ओल्ड टाउन में भेजा गया था, और अभी ये वेगोन 40 साल का बहुत ही पढ़ा लिखा, एकदम तगड़ा, बहुत ही अच्छा आर्च मेस्टर बना था। इस समय 40 के उम्र के इस आर्च मेस्टर वेगोन को वेस्टेरोस में सभी लोग वेगोन द ड्रैगन लेस भी कहने लगे थे, क्योंकि इतिहास का ये पहला टारगेरियन मर्द रहा था जिसने कोई भी ड्रैगन क्लेम करने की कोशिश भी नहीं की थी। सो रेवन आते ही उसे पता चलता है कि अपने पापा को उसकी जरूरत है, इसलिए क्विकली वेगोन किंग्स लैंडिंग में आता है, और जहरिस और वेगोन में बंद दरवाजे के पीछे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। अभी इस मीटिंग में एग्जैक्टली क्या हुआ, क्या बातें हुई, दैट नोबडी नोज, बट कहते हैं कि ओल्ड किंग जहरिस ने सीधा कहा था, तुम मेरे खून हो तो तुम ही राजा बन जाओ। ऐसे डायरेक्टली जहरिस ने वेगोन को आयरन थ्रोन ऑफर किया था, ऐसी एक थियरी है, बट अपेरेंटली वेगोन ने ये रिफ्यूज किया। बट एज आई सेड, दिस इज जस्ट अ थियरी, सच क्या है झूठ क्या है वो पता नहीं। बट एनीवेज, इस मीटिंग से एक बात बहुत ही अच्छी बाहर आई थी कि वेगोन ने अपने राजा जहरिस को सीधा बता दिया कि न्यू किंग को एक इलेक्शन के जरिए सिलेक्ट कर दीजिए। सो वेगोन का सजेशन ये होता है कि पूरे वेस्टेरोस में एक बड़ा सा इलेक्शन रखा जाए, और सभी लॉर्ड्स को बुलाकर उनके ओपिनियन के जरिए अगला राजा कौन होगा ये डिसाइड किया जाए। वेगोन की ये सलाह ओल्ड किंग जहरिस को बेहद पसंद आती है। तो कुछ ही दिनों में रेड कीप का दरबार एकदम खचाखच भरा होता है, और इस दरबार में वेगोन ने ही ऑन बिहाफ ऑफ अपने पिता किंग जहरिस के लिए अनाउंसमेंट की, क्योंकि अभी इस समय पर ओल्ड किंग जहरिस बहुत जोर से चिल्लाकर लंबे स्पीच नहीं दे सकते थे। तो वेगोन ने यहां पर सबके सामने डिक्लेयर कर दिया, ऐलान कर दिया कि टारगेरियंस एक बहुत ही बड़े ग्रेट काउंसिल को ऑर्गेनाइज करेंगे हेरेनहेल के मैसिव कैसल में। इस बड़े ग्रेट काउंसिल में वेस्टेरोस के सभी बड़े बड़े लीज लॉर्ड्स और उनके अलग अलग बैनरमैन के लॉर्ड्स को बुलाया जाएगा, और वही डिसाइड करेंगे कि वेस्टेरोस का अगला किंग आयरन थ्रोन का एयर कौन होगा। लिटरली जिसे भी किंग बनना है वो कैंडिडेट के तौर पे अपना खुद का एप्लीकेशन दे सकता है, और ये एप्लीकेशन देने के बाद में हेरेनहेल में सभी वेस्टेरोस से आए हुए लॉर्ड्स के सामने इन कैंडिडेट्स को स्पीच देना है। फिर वो सब होने के बाद में 7 दिनों तक वोटिंग होगी, और 7 दिनों के बाद में 7 भगवानों को साक्षी मानकर ओल्ड किंग जहरिस न्यू एयर टू द आयरन थ्रोन सिलेक्ट करेंगे। वेगोन के स्पीच के बाद में ओल्ड किंग जहरिस दरबार में मौजूद लॉर्ड लाइनोल स्ट्रॉन्ग को पूछते हैं कि क्या आप आपके कैसल हेरेनहेल में इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करोगे। तो लॉर्ड लाइनोल स्ट्रॉन्ग, जो कि न्यू लॉर्ड ऑफ हेरेनहेल बने थे रिसेंटली, वो कहते हैं, योर ग्रेस, ऐसा बड़ा इवेंट हेरेनहेल में ऑर्गेनाइज करना मतलब हाउस स्ट्रॉन्ग का ऑनर है, बट योर ग्रेस, मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज ड्रैगन्स को हेरेनहेल में मत लेके आना,
प्लीज कीप देम इन योर ड्रैगन पिट। आपको तो पता ही होगा कि हेरेनहेल और टारगेरियंस के ड्रैगन्स का हिस्ट्री थोड़ा सा खराब है। लॉर्ड लायनॉल के ऐसे एकदम ही सेंस ऑफ ह्यूमर से भरे डायलॉग के बाद में पूरा दरबार हंसने लगता है। ओल्ड किंग जहरिस भी हंस के मंजूर करता है कि ड्रैगन्स वगैरह हेरेनहेल में नहीं लाए जाएंगे। फिर उसी दिन ग्रैंड मास्टर रनसीटर ने वेस्टरोस के सभी छोटे मोटे लिटरली हजारों लॉर्ड्स को रेवन्स भेजे, क्योंकि हजार से भी ज्यादा लॉर्ड्स इस आने वाले ग्रेट काउंसिल में अलग अलग कैंडिडेट्स को वोट करने वाले थे। जो इस इलेक्शन को जीतेगा वही होगा नेक्स्ट वेस्टरोस का किंग।